कहते हैं ना, तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तेजस में भारत ने वैसी गलती नहीं की। तेजस की एक बहुत बड़ी कमी को सुधार लिया है भारत ने और तेजस को बदल कर बना दिया है अजय। जानेंगे अब भारत ने तेजस के साथ क्या किया है। तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका में चल रहे मीटिंग के दौरान जिनपिंग और पीएम मोदी आपस में मिले और क्या ये आधिकारिक मुलाकात थी, क्या हुआ था उस मीटिंग में, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दक्षिण अफ्रीका में चल रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने ब्रिक्स का विस्तार का खुलकर समर्थन कर दिया है, लेकिन कंडीशन के साथ। फिलहाल जो मानदंड है उन मानदंड को तय करने में भारतीय डेलीगेशन ने बड़ी भूमिका निभाई है। ऐसा नहीं है कि ब्रिक्स को यूं ही हाथ से जाने दिया गया है। पीएम मोदी ने ब्रिक्स में 6 नए सदस्य देशों को शामिल किए जाने का स्वागत किया है और कहा है कि इससे रिश्ते अच्छे होंगे। अब 6 नए सदस्य के आने का रास्ता तो साफ हो गया, जिसका दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने ऐलान भी कर दिया। यही एक मीटिंग थी जिस मीटिंग में पीएम मोदी ने चंद्रयान 3 की सफलता पर कहा कि चंद्रयान पर दुनिया भर से बधाई मिल रही है, इसे किसी देश की सफलता के रूप में नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के लिए सफलता के तौर पर स्वीकार किया जा रहा है। चंद्रयान की चांद के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की है, ये पूरी दुनिया के वैज्ञानिक समुदाय के लिए बड़ी उपलब्धि है। भारत ने जहां अपना लक्ष्य तय किया है तो वहां लैंड करने का प्रयास भी सफल हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि इस ऐतिहासिक अवसर पर मुझे भारत को, भारत के वैज्ञानिकों को दुनिया के बधाई संदेश मिले हैं, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। आपको बता दें कि भारत के चंद्रयान 3 के मिशन की सफलता पर बहुत सारी की शुभकामनाएं मिल रही हैं और ये बात ब्रिक्स की मीटिंग में भी उठा। पर ब्रिक्स की मीटिंग में एक ऐसी चीज देखने को मिली जो बता रही है कि क्या सब कुछ बॉर्डर में अब ठीक होगा या फिर ये एक औपचारिक बातचीत थी। जिनपिंग भी वहाँ पे हैं और जब ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बैठक हो रही थी तो देखा गया बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच कुछ मुलाकात हो रही थी। दोनों नेता मंच साझा करते समय साथ साथ चल रहे थे और थोड़ी बहुत बातचीत भी कर रहे थे। दोनों नेता मंच पर जाते हुए लगातार बातचीत कर रहे थे। पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच अनौपचारिक बातचीत को 5 देशों के ब्रिक्स समूहों द्वारा अपनी सदस्यता का विस्तार करने पर सहमति व्यक्त करने के बाद कैप्चर किया गया। इससे पहले तक यही माना जा रहा था कि जिनपिंग और भारत के पीएम आमने सामने थे सदस्यता को लेकर, लेकिन जैसे ही सदस्यता के लिए भारत ने हाँ कर दिया वैसे ही चीजें बदल गई। अब यहाँ पर नए सदस्य कौन कौन आ गए? नए सदस्य आ गए हैं अर्जेंटीना, सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, इथोपिया, ईरान और ये 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स के परमानेंट सदस्य बन जाएंगे। 6 देशों को न्योता दिया गया है और ये यहाँ पर परमानेंट मेंबर बन जाएंगे। अब सवाल उठता है कि ये विस्तार तो हुआ पर इसमें पाकिस्तान की एंट्री नहीं हुई और इसके लिए कहा तो यही जा रहा है कि कुछ नियम और कानून बनाए गए हैं, पर ये नियम और कानून कब तक टिकते हैं ये देखना होगा। जो मंशा है ब्रिक्स के बहुत ज्यादा विस्तार की, वो मंशा अगर पाकिस्तान पे जाकर खत्म हुई तो समझ लीजिए कि इस संगठन का भी बहुत बुरा हाल होगा। फिलहाल न तो अर्जेंटीना, न सऊदी अरब, न यूएई, न इजिप्ट, न इथोपिया और न ही ईरान, इनमें से किसी से हमारे संबंध खराब नहीं है। लेकिन ये भी बहुत बड़ी सच्चाई है, सऊदी अरब यूएई के साथ अपने संबंधों को चाइना बहुत ज्यादा मजबूत कर रहा है और ईरान के साथ भी अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ब्रिक्स में आगे चलकर चीजें कैसी रहेगी ये समय ही बताएगा। फिलहाल ब्रिक्स में पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात बताती है कि कुछ कुछ चीजें नॉर्मल हैं और बाकी या तो बातचीत चल रही है जिसका कुछ न कुछ रिजल्ट हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है वहीं दूसरी तरफ क्या भारत ने तेजस को पूरी तरीके से बदलने का प्लान ही बना लिया है?
तेजस पर ही इतना दिमाग क्यों लगाया जा रहा है। तेजस के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या थी और उस समस्या को दूर करना बेहद जरूरी था। हाल के दिनों में आप देखेंगे तेजस के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। तेजस को लगभग हर तरह के हथियारों से सजाया जा रहा है। क्यों हम देख रहे हैं कि तेजस विमानों को ही फ्रंट लाइन पर भेजा जा रहा है। हमने हाल में देखा कि जम्मू कश्मीर की तरफ दौड़े हमारे तेजस विमान और वहां पर पहुंचे, वहां पर ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है अधिकारियों को, जो हमने आपको पहले भी बताया। इसके तुरंत बाद ये खबर आती है कि तेजस के साथ हमने अस्त्रा MK-1 का परीक्षण किया। LCA तेजस से फायर किए गए बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल अस्त्रा MK-1 और ये पूरी तरीके से सफल रहा। तो एक चीज तो समझ में आ गया कि इसमें अब हम इस मिसाइल को लगा सकते हैं। शुरुआती दौर में तेजस जब आया था तो तेजस के लिए हमने चुना था एक ऐसा मिसाइल जिसका नाम था R-73। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलती चली गई। इसके बाद आ गया इजरायली Python-5 और इसके बाद हमने अस्त्रा MK-1 को इस्तेमाल करना शुरू किया। R-73 में क्या था, ये विदिन विजुअल रेंज मिसाइल था, यानी कि विजुअल रेंज में जब एकदम आसपास फाइटर जेट हो तब कुछ ही दूरी पे का अंतर हो, दिख रहा हो, उसके सामने वाला भी फाइटर जेट दिख रहा है, आप भी उसे दिख रहे हैं, तब जाकर अगर आप किसी मिसाइल को फायर करते हैं तो उसे कहा जाता है विदिन विजुअल रेंज। और विजुअल रेंज में मारने के लिए एक ही मिसाइल थी उस वक्त, R-73। जब R-73 हमें इकलौता मिसाइल मिला तो जो नजदीकी क्लोज कॉम्बेट होते हैं उन मिसाइलों में और भी मिसाइलों की जरूरत महसूस हुई। इसके लिए हमने इजराइल से संपर्क किया कि इजराइल हमें एक नई मिसाइल दे दो, एक ऐसी मिसाइल जो क्लोज कॉम्बेट में काम आए और हमारे तेजस में फिट हो जाए। इजराइल ने हमें पाइथन बढ़ा दिया, Python-5, और Python-5 का भी इस्तेमाल होने लगा। लेकिन कहा जा रहा है कि अभी भी Python-5 को लेकर थोड़ी सी क्लियरेंस बाकी है, यानी Python-5 हमारे लिए अभी सक्सेसफुल फायरिंग करने के बावजूद थोड़ा सा इसमें कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इसे ऑपरेशनल क्लियरेंस नहीं मिला। हमारे पास एक ही ऑप्शन बच गया और वो था R-73। और R-73 किसका है, R-73 एक रशियन मिसाइल है जो कि क्लोज कॉम्बेट के लिए अब तक इस्तेमाल हो रहा था। बियॉन्ड विजुअल रेंज तो हमारे पास बहुत सारी हो गई, लेकिन बियॉन्ड विजुअल रेंज को अगर छोड़ दें, एकदम आमने सामने की लड़ाई हो, तो उसके लिए हमें कुछ इस तरीके की मिसाइल की जरूरत थी जो विश्वसनीय हो और हमारे पास ऑप्शन हो। जैसे कि मान लीजिए अभी की बात करें, अभी अगर भारत चाहेगा हमें बड़ी संख्या में R-73 दो, तो क्या रूस दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। ऐसे में बहुत सारे ऑप्शन रखने पड़ते हैं और इसी क्रम में भारत को एक बड़ी सफलता मिली है, क्योंकि भारत ने अब तेजस के लिए विदिन विजुअल रेंज 25 किलोमीटर के अंदर तक के लिए एक नए मिसाइल को लेकर बात कर रहा है फ्रांस की कंपनी से। माना जा रहा है कि जल्द ही ASRAM मिसाइल फ्रांस के द्वारा लिया जाएगा जो तेजस विमानों में फिट किया जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, भारत पूरी तरीके से LCA तेजस को अपने लिए आत्मनिर्भर बना ले तो ही बेहतर होगा? वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।